नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, जब बात आती है स्किन की प्रॉब्लम या स्किन रैश हो या सोरियासिस जैसी बड़ी दिक्कत हो, तो छोटी मोटी दिक्कत हो या बड़ी दिक्कत हो, पेशेंट की एक साइकोलॉजी या माइंड सेट होता है कि डॉक्टर साहब कुछ लगाने के लिए ऐसा लोशन दे दीजिए या क्रीम दे दीजिए जिससे मेरा जल्दी आराम हो जाए, इंटरनल मेडिसिन मीन वाइल मैं लेता रहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट तरीका जो है स्किन प्रॉब्लम का, चाहे वो सिंपल रिंगवर्म दांत खात खुजली हो या लेप्रसी जैसी केस हो या सोरियासिस जैसा केस हो, इंटरनल मेडिकेशन होम्योपैथी में आपको दोस्तों बेस्ट और जो क्योर होता है वो देता है। क्रीम वगैरह से आप पैलिएशन थोड़ा रिलीफ जरूर पा सकते हैं, बट मेन आपका जो है वो इंटरनल मेडिकेशन आपको लेना ही पड़ेगा। बट जब पेशेंट आपको इंसिस्ट करता है तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ लगाने के लिए देना पड़ता है पेशेंट को। दोस्तों, यहां पर मैं दो लोशन लेके आया हूं और ये बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट दे देते हैं। रेडिएंट नाम की ये कंपनी है और इनके एक डर्मोक्स एल करके आता है और एक आता है डर्मो एल। दोस्तों, डर्मो एल और डर्मोक्स एल में क्या खास है, क्या विशेष है, इसी की चर्चा करेंगे। किन किन केसों में हम इसे दे सकते हैं और मैक्सिमम केस में आप देखेंगे 10 में से 8 मरीज को बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर उनकी खुजली और इरप्शन में आराम मिल जाएगा। दोस्तों, डर्मोक्स एल जो है हमारे पास, डर्मोक्स एल का जो विशेष है दोस्तों, हाइपोपिगमेंटेशन, जैसे आपके पास ल्यूकोडर्मा के पेशेंट मिल जाएंगे, व्हाइट पैचेस रहते हैं दोस्तों, तो पेशेंट को वहां पर कुछ लगाने के लिए अगर आप देना चाहें तो डर्मोक्स एल वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट आपको पिटीरियासिस के केसेस मिल जाएंगे। पिटीरियासिस अलग अलग रीजन में दोस्तों, अलग अलग भाषा में इसे अलग अलग नाम दिया जाता है। ईस्टर्न एरिया में इसे सेहुआ के नाम से, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो वहां पर भी स्किन जो है थोड़ी सी पेल व्हाइट कलर की हो जाती, पूरी सफेद नहीं होती। बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, आप देखेंगे फेस पे व्हाइट व्हाइट सा हल्का हल्का आ जाएगा इस तरफ। फीमेल्स में आप देखेंगे ट्रंक वाले एरिया में, छाती के आसपास या शोल्डर के आसपास वो आ जाता है, इसे दोस्तों पिटीरियासिस बोलते हैं। अलग अलग वैरायटी के भी पिटीरियासिस होते हैं। तो स्किन का कलर जब चेंज हो रहा हो तो दोस्तों, आपको ईचिंग हो या कोई भी दिक्कत हो, बहुत बार खुजली के बाद आप देखेंगे खुजली तो ठीक हो गई बट वहां की स्किन जो है सामान्य से थोड़ी अलग कलर की हो गई है, तो डर्मोक्स एल आपको वहां पर काफी अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट जो डर्मो एल है दोस्तों, इसमें विशेषता ये है कि इग्जिमा, स्पेशली वीपिंग इग्जिमा, अगर आपको खुजली करने पे पानी निकलता है या खुजली करने पे गाढ़ा पस जैसा निकलता है या गाढ़ा पानी जैसा निकलता है, तो जब डिस्चार्ज की बात आएगी किसी भी तरह की, चाहे वो पतला हो, मोटा हो या मवाद जैसा हो, तो वहां पर डर्मो एल बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। दोस्तों, इनके अंदर अगर दवा की हम बात करते हैं तो डर्मो एल में दोस्तों इचनीशिया कैलेंडुला, आपको पता है इचनीशिया और कैलेंडुला दोनों ही एंटीसेप्टिक इफेक्ट रखती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एकायरेंथस एस्परा। एकायरेंथस एस्परा एक ऐसी दवा है जो बॉडी में होने वाली जलन को खत्म करने की बहुत अच्छी क्षमता रखती है। नेक्स्ट है दोस्तों एजा डायरेक्टा इंडिका। तो नीम की जितनी भी मेडिसिनल, आपको पहले से पता है कि आयुर्वेद में नीम को बहुत सालों से यूज किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है एजा डायरेक्टा इंडिका या नीम भी। और डर्मोक्स एल में दोस्तों क्या खास है जो इसको कलर चेंज में हेल्प, नॉर्मल कलर में लाने की मदद करती है दोस्तों, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल जो मदर टिंचर, स्किन की हार्डनिंग हो जाती है, आप देखते हैं कहीं कहीं पर खुजली के बाद स्किन मोटी हो गई, कलर बदल गया, हाइड्रोकोटाइल थिक स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है कैलोट्रोपिस। दोस्तों, कैलोट्रोपिस लेप्रसी जैसी बीमारियों में, जहां पर स्किन का कलर तो चेंज होता ही होता है, बॉडी डिसफिगर हो जाती है, आकार भी बदलने लगता है, वहां पर कैलोट्रोपिस बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे जाती है। सोरीलिया कॉर, दोस्तों विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारी में सोरीलिया कॉर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली दवा है, जो कि लगा के भी यूज देते हैं, लगा भी सकते हैं और इंटरनली या मदर टिंचर के भी रूप में इसे ले सकते हैं। गाइनोकार्डिया ओडोराटा, दोस्तों ये भी हमारी जब विटिलिगो या फिर हाइपोपिगमेंटेशन की बात आती है तो बहुत फ्रिक्वेंटली दी जाने वाली दवा है। तो एकदम मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जब आपका कलर चेंज जैसा लगेगा तो डर्मोक्स एल यूज कर सकते हैं, और अगर खुजली में कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, पानी आ रहा है, पस आ रहा है, मवाद आ रही है, तो डर्मो एल आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे देगी। तो एक छोटा सा वीडियो दोस्तों लोशन के ऊपर, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज से शेयर जरूर कर दे, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।